हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लैडर। तो कैसे हैं आप सभी? होप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए यहाँ बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ आ चुकी है, बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए आई है। आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, मान लीजिए अब तो आपकी नौकरी लगने ही वाली है। सभी वैकेंसी की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए देखते हैं कहाँ से वैकेंसी निकली है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी की तरफ से यहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ आप एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं। जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ इन्होंने स्टाफ नर्स बताया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ इन्होंने दी हुई है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। पे स्केल भी मेंशन किया हुआ है। एज लिमिट यहाँ इन्होंने बताई हुई है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन हम यहाँ देखते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जेएनएम भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी और जेएनएम में यहाँ इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक डिटेल इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। इन्होंने यहाँ वेबसाइट दी हुई है। लास्ट डेट यहाँ इन्होंने बताई हुई है 29/7/2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी। ड्यूटीज़ और पोस्टिंग का पैटर्न यहाँ इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 300 यहाँ फीस रहेगी। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी या इन्होंने दिया हुआ है एक्सपीरियंस कास्ट सर्टिफिकेट, आप रीड कर लीजिएगा। आपको अपनी 300 फी का यहाँ डीडी कट करवाना पड़ेगा। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म को सेल्फ अटेस्ट करके ये इन्होंने यह एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ आपको सबमिट करना है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज मार्क्स की कट ऑफ दी हुई है। जनरल ओबीसी की 45%, पीएच की 40%, कुछ पॉइंट्स और यहाँ इन्होंने दिए हुए हैं। ऐसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आइए देखते हैं आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। सभी डिटेल हम आपको बताएंगे। यहाँ आपको नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करना है, सेल्फ अटेस्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ लगेगी, जेंडर, कैटेगरी, यहाँ आपको सभी डिटेल आपको अपनी फिल करनी है, ईमेल आईडी, आधार नंबर और यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़िल करनी है। एक्सपीरियंस जो है आपका वो आपको फ़िल करना है। ड्यूरिंग जॉब क्या आपका पे स्केल था, यहाँ आपको सभी अपनी डिटेल फिल करनी है। अंडरटेकिंग यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, डेट फिल करनी है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ आपको करनी है। आपको इस फॉर्म के साथ सभी अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सेल्फ अटेस्ट करके आपको जो एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है वहाँ सबमिट करने हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस फॉर्म की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू गाइस।